हनी तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें दुनिया की हर आसाइश और खुशी दूंगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र करो। राहत, राहत, अरे पूरे मोहल्ले में धूम मची हुई है। तुमने तो भाई अनम को बहुत बड़ा जेहेज दिया है। ये बहन कौन सा बैंक लूटा था, मुझसे भी पैसे उधार नहीं लिए, इतना पैसा आया कहाँ से? ऐसी कोई बात नहीं है, जेहेज पैकेज लिया था। अरे वाह, तुम तो बड़ी घुन्नी निकली। लो, बेटी का रिश्ता भी कर दिया, उसकी तैयारी भी कर ली और शादी करके रुखसत भी कर दिया। मुझे ना पूछा ना मुझे बताया। वो बस सब कुछ इतना अचानक हो गया। वैसे अनम ने चांदी ऐसा चढ़ाया था, पूरे मोहल्ले में बातें हो रही थी। अच्छा ही किया जो उसे फारिग कर दिया, वरना बड़े मसले होते भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मामा। आए ना, आपकी तबीयत ठीक है? कल आप आई नहीं। अच्छा राहत, मैं चलती हूँ, फिर चक्कर लगाऊंगी। अनम कैसी है? सम्मा उसी की तो परेशानी है। बहुत बड़ी बेवकूफ है। जानती हूँ माँ, आप ही बताएं मैं क्या करूं। अनम से तो घर बसाने की उम्मीद है नहीं, लेकिन फराज घर टूटने नहीं देगा। बहुत समझदार बच्चा है, तुम फिक्र नहीं करो, उसकी माँ उससे भी ज्यादा समझदार है। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मैं चाय लेके आती हूँ आपके लिए।